ट्रेन थोड़ा स्लो कर देना है। कल का कौन कौन याद करके आया है? याद करके आया हो पूरा अच्छे से? अच्छे से पक्का ध्यान रहेगा आप? हाँ, अरे इसको थोड़ा पास कर देना, ये टूट फूट जाएगा, वो वायर निकल जाएगा, थोड़ा पास कर दे। इस तरफ मुंह कर दे इसका, इस तरफ टेढ़ा कर और आगे मुंह कर दे बस, थोड़ा सा बस, बढ़िया हो गया। बस चलो, वहां गेट कितना बंद करना, थोड़ा और बंद कर दे, अच्छे से अंधेरा रहना चाहिए। हाँ तो लिखो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, बोलो फटाफट। हाँ हाँ, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में कौन सा टाइप? वन। टाइप वन क्या था बोलो? विच कंटेन कार्बन एज अ फर्स्ट एटम। तो लिखो, naming of functional group which contain carbon as a first atom, naming of functional group which contain carbon as a फर्स्ट एटम, मतलब उन सब का नेमिंग करना है। बहुत सारे ऐसे तो बता दिया था मैंने, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, वापस जा। अब समझ में आया प्रॉब्लम? यहाँ 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 से निकल के जा, ठीक है? अरे मेरे ही आवाज बहुत ज्यादा जाता है, चिंता मत करो, आवाज तो ज्यादा ही जाएगा ना, कम थोड़े ना जाएगा, आवाज मेरी बहुत तेज है, ठीक है? कार्बन इज अ फर्स्ट एटम, बात समझ में आई है? क्लियर हुआ फैक्टर? चलो लिखना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले लिखो कार्बोक्सिलिक, फिर अरे पागल लड़का यहां से जा, अरे वहां बात करने के लिए मत जा, बैठ। हाँ चुपचाप बैठ, स्टार्ट कर, नोटबुक निकाल, बाहर बुला रहे, एक बार अंदर बैठने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, कल से ऐसा होना चाहिए। पहुंच, ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो पहला, अगर मैंने लिखा नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा जो रूल आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फॉलो होंगे, वही रूल आपके किसके लिए फॉलो होंगे, किसके लिए फॉलो होंगे? सबके लिए, कार्बन एज अ फर्स्ट एटम, उन सबके लिए फॉलो होंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, समझना। अब हमको जब कार्बन इज अ फर्स्ट एटम होगा, उसमें नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे? स्टेप वन समझ लेना, कहीं साइड में लिख लेना, नोट डाल के हमेशा इसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है? स्टेप वन नोट डाल के लिख लेना कहीं। स्टेप वन बेटा समझना, यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, कंटेनिंग व्हाट फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग व्हाट फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करे वो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला स्टेप तो आपको सब में कॉमन है, क्या करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, बोलो भाई सब बोलो, स्टेप वन इज व्हाट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, जोर से बोलो बेटा, बोलो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। स्टेप सेकंड इज व्हाट, क्या होता है स्टेप सेकंड, नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हमेशा इसका मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। जब आपका, सुनना ध्यान से, जब आपका कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप में तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट, हाँ या ना, समझ में आया। स्टेप वन इज व्हाट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। स्टेप टू इज व्हाट, यहां तक समझ में आया, देन आफ्टर आरएफपीडी अप्लाई करना है, यहां तक समझ में आ गया। आरएफपीडी का रूल आपका क्या चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आरएफपीडी यहां तक समझ में आ गया, नंबरिंग तक, देन आरएफपीडी का रूल क्या चलने वाला है बेटा, समझ लेना ये बात। आरएफपीडी सबसे पहले आरएफपीडी हम किस पर लगाएंगे, सबसे पहले आरएफपीडी हम किस पर लगाएंगे, बोलो, अरे सब बोलो, सबसे पहले जब फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो, फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उस पर आरएफपीडी लगाएंगे। देन आफ्टर आप बोलो, आरएफपीडी अप्लाई ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, आरएफपीडी अप्लाई ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। देयर आफ्टर आरएफपीडी अप्लाई ऑन डबल बॉन्ड, देन आफ्टर आरएफपीडी कहां लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, देन आफ्टर आरएफपीडी, देन आफ्टर आरएफपीडी सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, सब्स्टिट्यूएंट कौन से ऑर्डर में बेटा, अल्फाबेटिकली, क्लियर हुआ बेटा। अब ये बात समझ में आई किसी को, सबसे पहले आरएफपीडी किस पर लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो किसकी तरह बिहेव करे, फंक्शनल ग्रुप जो किसकी तरह बिहेव करे, ये वाला फैक्टर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ये सब आता है आप तुमको, स्टेप वन यहाँ पे अगर कार्बन चेन को सेलेक्ट करने का क्या है, स्टेप वन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, एंड स्टेप टू इज व्हाट, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलते हैं, ये तो जो रूल है इसके अलावा तीसरा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, नया रूल हमको यूज नहीं करना है। आया समझ में, पक्के से, पक्के से श्योर, ठीक है। लिखो नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली में होता क्या है, बट बच्चों बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका होता क्या है, समझना बात को ध्यान से। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा RCOOH, क्या क्लास 10th में पढ़े हो ना, RCOOH, ठीक है, क्या होता है RCOOH, बात क्लियर है, बात क्लियर है, होता है RCOOH, किस किस को यहां तक पॉइंट क्लियर हुए, पक्का श्योर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, बात क्लियर है। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिड होगा, कितने बॉन्ड पेयर निकल रहे हैं यहां से,
डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर मानते हैं, डबल बॉन्ड को हमेशा क्या मानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड को क्या मानते हैं हमेशा, ठीक है। क्या इस कार्बन पे लोन पेयर है? नहीं है ना। कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। चारों के चारों काम में आ गए बॉन्ड बनाने में। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेटेड एज स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये बात क्लियर हुआ? हाउ मेनी लोन पेयर ऑन कार्बन एटम, जल्दी बताओ कितने लोन पेयर है कार्बन एटम पे? 0। बॉन्ड पेयर कितने है बोलो? अरे बोल भाई, एक कहां से? ये एक, ये दो, ये तीन, कितने निकल रहे वो निकालना है, ठीक है। कितने बॉन्ड निकले, कितने निकले? 3। तो क्या हुआ, SN इक्वल टू कितना आ गया? 3। जब SN इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? समझ में आ गया बात? समझ में आया? अगर SN इक्वल टू, सुनो इधर, यहां पर साइड में लिख लो, तुम्हें याद नहीं होगा, SN इक्वल टू 2 होगा तो SP होगा, SN इक्वल टू 3 होगा तो SP2 होगा, जब SN इक्वल टू क्या हो जाए 4 हो जाए तो क्या होगा SP3, जब SN इक्वल टू 5 हो जाए तो क्या हो जाएगा SP3D, जब SN इक्वल टू क्या हो जाए 6 हो जाए तो क्या हो जाएगा SP3D2। ये कुछ याद रखो, बाद में हम और भी समझेंगे, ठीक है। तो घर जाके सबसे पहले क्या निकालना सीखोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये तुम्हारा होमवर्क है, रिवीजन में पहला होमवर्क है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुमको सीखना है। प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, डाउट हो तो डाउट पूछो, ठीक है। डाउट सेशन आपके लिए, डाउट सेशन आप ही लोगों के लिए ना, मेरे लिए तो नहीं है, मुझे थोड़े ना रिवीजन करना है। तो कल जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर कार्बन कौन सा है? SP2 हाइब्रिडाइज, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में ये भी ध्यान रखो थोड़ा सा, RC डबल बॉन्ड OOH, यहां पर दो लोन पेयर होगा, यहां पर भी दो लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन एटम के पास कितने लोन पेयर होंगे? दोनों ऑक्सीजन एटम के पास कितने लोन पेयर होंगे? दो, ठीक है। अब ये बताओ, SP हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर, जनरली ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ज्योमेट्री की, ना कि मैं शेप की बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। SP2 होगा तो क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर, क्या हो जाएगा? किस किसने केमिकल बॉन्डिंग का देखा था वहां सब मैंने बताया था, ट्रायगोनल प्लेनर। SP3 होगा तो क्या होगा? टेट्राहाइड्रल, क्या होगा? टेट्राहाइड्रल। SP3D होगा तो क्या होगा बोलो? ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर बाई पिरामिडल, TBP। और अगर SP3D2 होगा तो ऑक्टाहाइड्रल। ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये घर जाके एक बार VACPR पढ़ो, ये या फिर हाइब्रिडाइजेशन, दोनों रिवाइज करके आना है आप लोगों को, तो अपने आप ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आने लग जाएगी। अब जनरली ऑर्गेनिक में ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब ये जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एसिडिक होता है। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। अब ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे खतरनाक एसिड जो माने जाते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? उससे भी खतरनाक होते हैं, लेकिन हम जनरली ऑर्गेनिक में सबसे खतरनाक एसिड किसको मानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि आपके GOC में बहुत अच्छे से तुमको मिलने वाला है। तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड इज ऑलवेज एसिड, ठीक है। समझ में आया? सबसे खतरनाक एसिड होते हैं। कई शॉर्ट नोट्स में मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लो इस लाइन को, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड आपका एसिड ही होता है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनसे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड इज
मोर एसिडिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं बेटा। ये तुम्हारा हेल्प करेगा बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में चुटकी में, ठीक है। बात समझ में आया। ये तो था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन इसलिए लिया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ताकि तुम लोगों को क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अब तुम ये मुझे बताओ एसिड क्या होता है, विच कैन रिलीज एच प्लस, जो एच प्लस रिलीज करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से रिलीज करेगा, ये वाला एच प्लस रिलीज करेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। ये सब बातें अभी फिर से मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन एक बार और पढ़ाऊंगा तो ये वाली बातें थोड़ी बहुत भी ध्यान रहेगी तो आप लोगों को वहां से मोमेंटम मिलेगा, आपको जल्दी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा याद होना ही चाहिए, अभी बाद में तो मैं सिखाने ही वाला हूँ, बाद में मैं सिखाने ही वाला हूँ, चलो ठीक है। ये सब अभी तक हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में नहीं पढ़ा, अभी तक मैंने इसका जनरल इन्फॉर्मेशन दिया आपको, ठीक है। ये थोड़े इन्फॉर्मेशन को तुमको ध्यान रखना है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं इसके नेमिंग पे, मेन फोकस करते हैं नेमिंग पे, ठीक है। नेमिंग करने का तरीका थोड़ा सा हटके इसमें, कि अगर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हम इसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करेंगे बेटा, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, COOH के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं ओइक एसिड, क्या यूज करते हैं ओइक एसिड, और प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी, क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी, प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, सबसे लेस काम में आएगा लेकिन फिर भी तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। लेस मतलब जो हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे वहीं काम आने वाला है ये चीज, ठीक है। तो ध्यान रखना COOH का ओई और इसका कार्बोक्सी, बात क्लियर है, प्रीफिक्स इज व्हाट, कार्बोक्सी एंड सफिक्स इज व्हाट, ओइक एसिड। आप समझ में आ गया, समझ में आ गया, आप लिखना स्टार्ट करो, लिख लिया ये चीज, लिखो फटाफट स्पीड से, लिखो जल्दी जल्दी, लिखो स्पीड से। फटाफट लिखो स्पीड से बच्चा, ये लाइनें मैं 50 बार बोलने वाला हूं तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, इसके लिए चिंता ना करें, ठीक है। थोड़ा सा अभी रुको, अब इसमें एक और पॉइंट समझो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग करते हैं हम पहले पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली वन COOH ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन व्हाट, ओनली वन COOH ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपके एक ही COOH ग्रुप को कंटेन करता है, ठीक है। सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग बच्चों, ओइक एसिड। सबसे पहले हम देखते बेटा इसमें, समझना बात को ध्यान से, HCOOH, अब सबसे पहला काम क्या है, नंबरिंग, कितने कार्बन है, एक कार्बन होगा तो इसको एक ही का कार्बन है तो एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ, ठीक है। और मैंने बोला था प्राइमरी सफिक्स यूज करना कंपलसरी है, कल मैंने बताया था ना परफॉर्म आ गई, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, क्या यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, मैथ, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है ना कार्बन, कार्बन तो आगे जुड़ेगा सिंगल बॉन्डेड मानना है, तो क्या आएगा, मेथेन, मेथेन ओइक एसिड, मेथेन ओइक एसिड होगा तो यहां से ई को हटा देंगे तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आया होगा तुमको, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, CH3
CH3COOH। अब बताओ क्या यहाँ पर कोई सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब मैंने बताया था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, हाँ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बोलो, नंबरिंग। तो यहाँ से मैंने नंबरिंग की 1 और 2, तो कितने का कार्बन है, 2, तो 2 का मतलब 8, और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या आएगा, इथेन, और इसके लिए क्या आएगा, ओइक, तो क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड। ऐसा भी कोई कोई अगर लिख रहा है कि इथेन 1 ओइक एसिड तो करेक्ट है, लेकिन 1 को मैंने खा गया हूँ, 1 को मैं क्या कर दिया, मैंने हटा दिया है, 1 को मैंने हटा दिया है, वो 1 लिखना उतना कंपलसरी नहीं है, 1 लिखना उतना कंपलसरी नहीं है, 1 को मैंने हटा दिया है। अगला, अगर मैं बोलना चाहूँ CH3CH2COOH, इसका नाम बोलो तुम लोग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3, बोलो नाम, प्रोपेनोइक, वेरी गुड, क्या नाम होगा, प्रोपेनोइक एसिड। आप समझ में आ गया बेटा, समझ में आया बेटा, एक और क्वेश्चन समझना ध्यान से, CH3CH CH3CH2CH2COOH। नाउ आप बताओ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, या नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी जाएंगे 5, आप क्या बोलेंगे, नाम बोलो, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो क्या आ जाएगा, 4-methyl होता है ना ये, 4-methyl pentanoic, समझ में आया, समझ में आ गया, किस किस को क्लियर हुआ कंसेप्ट, किस किस को क्लियर हुआ कंसेप्ट, पक्का श्योर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, करेंगे नाम, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या होगा, बोलो, अब 5-methyl, अब बोलो, प्राइमरी सफिक्स भी तो करेंगे यूज, करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने प्राइमरी सफिक्स है, कितने प्राइमरी सफिक्स, एक डबल बॉन्ड का होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड का, बताया जा रहा तुम लोगों को, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यूज एज अ प्राइमरी सफिक्स, बोलो अब नाम क्या होगा, हेप्ट, बोलो हेप्ट के बाद क्या लिखोगे, 4-ene-6-ine-1-oic acid, आ गया नाम, आप कैसे लिखेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, प्राइमरी, ये पूरा का पूरा क्या है, अब समझ में आ गया, अब इसके बीच आप लोगों को कुछ भी डाल दे, आप लोग कर लोगे पक्का, श्योर श्योर हो जाएगा पक्का, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते बेटा, ये वाला बोलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, क्या इसमें लॉन्गे चेन के लेंथ पे भरोसा किया जाएगा, नहीं, मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो चेन का लेंथ कोई मायने
नहीं रखेगा। हमारा काम क्या है, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेंथ में कवर करना। तो आप बोलो फटाफट, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे? फोटो बाहर निकाल लो, क्या आएगा बोलो आप जल्दी से। 4, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना बताया था, सी एच कर लेना इसको, ठीक है? बताओ इसका नाम, यही से नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल हो जाएगा इसका नाम, बताया था ये मैंने। अब बताओ क्या होगा, 4 पे कौन कौन जुड़ा है, 1 मिथाइल इथाइल, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। देन आफ्टर नाम क्या होगा, वो जल्दी बोलो, पेंट 4 in 1 oic acid, 1 नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, 4 pentenoic acid, क्या लिखा होगा, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 4 pentenoic acid, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 4 किसके लिए, इन के लिए, ना कि तुम लोग ऐसे ना लिख के, तुम लोग ऐसे लिखने की आदत डालो, ठीक है? बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझ में आ गया। अब डबल बॉन्ड भी आ गया, अब ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। तो तुमको मैंने रूल सिखाया था ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कंबाइन नहीं लेना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लेंथ में, पक्का? समझ में आ गया रूल, कोई नहीं चल रहे, अब पुराने रूल ही चलेंगे, बस हमको उसको अप्लाई करना है। स्वप्न जा आ गया समझ में, मानस आ गया पक्का, लावण्या चलो रिपीट करो इसको फिर से, लिखो तुम लोग।
चलो स्टार्ट करो नेक्स्ट। लिख लिया तुम लोगों ने? जल्दी लिखो, हाई के लिए लिख लिया होगा तुम लोगों ने, विश्वास के लिए लिख लिया ना? हाँ, किस किसने लिख लिया, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, किस किसने लिख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़े बेटा, सपने जाए, स्पीड बढ़ा लिखने में, ठीक है। कॉपी सजानी नहीं है, लेकिन हमको अच्छा मेंटेन करके रखना है, लेकिन स्पीड भी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन सी डबल ओ एच ग्रुप। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू सी डबल ओ एच ग्रुप। लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू सी डबल ओ एच ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू सी डबल ओ एच ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट टू सी डबल ओ एच ग्रुप। लिखो नेम, नेमिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। लिख लो पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट टू सी डबल ओ एच ग्रुप। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे टू सी डबल ओ एच को ग्रुप को कर रहे हैं, तो हमको ऐसा पेरेंट चेन ढूंढना है जिसके अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए। समझ में आया? हमको ऐसा पेरेंट चेन ढूंढना है जिसके अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो एग्जांपल लिखते हैं, स्टार्ट करें एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल के थ्रू ही आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखो इधर, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक, ये क्या हो गया, ये वन और ये टू, तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले दो कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे? इथेन, सिंगल बॉन्ड से अटैच है इथेन, बोलो वन टू डाइओइक एसिड। क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड, मतलब एक था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लिखते थे? ओइक एसिड, तो दो होगा तो क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो हम सफिक्स में क्या लगाएंगे? डाई। तो लिख लो, ठीक है, लिख लो, फॉर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वी विल राइट, वी विल राइट डाइओइक एसिड, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल नंबर वन। नाउ एग्जाम्पल नंबर टू को हम स्टार्ट करते हैं। अब बताना बेटा तुम लोग, ठीक है, सी डबल ओ एच सी एच टू सी डबल ओ एच। अब बताओ, ऐसा भी देखेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों लिखा हुआ मिलेगा, बताओ। अब बताओ जल्दी से, नंबरिंग करें, नंबरिंग में दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाने चाहिए, नंबरिंग में दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे क्या होने चाहिए? आ जाने चाहिए, वन टू थ्री। आप जल्दी बताओ, बोलो नाम, बोलो, प्रोप पेन, बोलो, वन थ्री डाइओइक एसिड। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? समझ में आया? बात समझ में आया पक्का? किस किस को क्लियरली समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है? अगर मैंने ऐसा लिखा, थर्ड, थर्ड बताना, सी डबल ओ एच, इसको ऐसे ना लिख के अब अलग लिखता हूँ, सी एच टू सी एच ब्रैकेट सी एच थ्री सी डबल ओ एच। अब बताओ, पहली बात तो तुम लोगों को पता ही नहीं पड़ा होगा कि ये है क्या, है ना? नहीं पता पड़ा ना? अब इसको समझने का तरीका समझो, क्योंकि ये पहले भी तुम्हें मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो अब तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, वो सब तो तुम्हें आ गया। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करते हैं, मतलब अच्छे लेवल को मेंटेन करते हैं। देखो इधर, सी डबल ओ एच हो गया,
ये सिंगल बॉन्ड से है तो सी एच टू, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड से सी एच, लेकिन ये जो ब्रैकेट में है वो इसके साथ सी एच के साथ जुड़ा हुआ है, जो ब्रैकेट में होगा वो किसके साथ जुड़ा होगा, तो यहां पर सी एच थ्री, यहां पर सी डबल ओ एच। अब बताओ नेमिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग इससे करेंगे कि इससे करेंगे, सोच के बताओ। मैं तो इससे करूंगा, क्या करते हैं आर एफ पी डी, यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ पहले तो हम क्या लगाते हैं आर एफ पी डी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे साइमल्टेनियसली, उसके बाद हम किस पर लगाते हैं डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड भी नहीं है, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। हमको ये बात पता है कि पेरेंट चेन में मुझे दोनों को सेलेक्ट करना है, तो वन टू थ्री फोर, यहाँ से मैंने नंबरिंग की, जब मैंने यहां से नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आया, जब मैंने यहां से नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आया, थ्री पर, तो विच वन इज करेक्ट, तो यहां से करेंगे, बोलो अब नाम, वेरी गुड, क्या आएगा टू मिथाइल ब्यूट, ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूटेन आएगा ना, सिंगल बॉन्डेड है ना, प्राइमरी सफिक्स को यूज करना जरूरी है, ठीक है फंक्शनल ग्रुप वाले में, तो ब्यूटेन क्या क्या बोलोगे, 1.4, क्लियर हुआ कनु, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ पक्का। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करें पक्का, आप लोग बताओगे आंसर, पक्का बताओगे, सोच लो। अ देखो इधर क्वेश्चन नंबर फोर, इसका मतलब आप किसको समझ में आया है, अब समझ में आया मतलब, अब तुम्हें ऐसे लिख के दूंगा मैं, वैसे लिखने वाला वैसे चेन बना के देने का समय हो गया समाप्त, ठीक है अब तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, ठीक है आप बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले इसको चेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तुम लोग बड़े प्यार से, ठीक है पहले तो स्टार्ट में तुम्हें दिक्कत होगी, बाद में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ये किसके साथ होगा, एड सी एच के साथ होगा, ब्रैकेट वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, ब्रैकेट वाला किसी ना किसी कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है तो ये हो गया सी एच, यहाँ पर बोलो सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आप बताओ नाम, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे ना नंबरिंग, यहाँ से करेंगे, हाँ नहीं गलत, पक्का यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से क्यों नहीं करेंगे, आर एफ पी डी का रूल क्या है, आर एफ पी डी का रूल क्या है, सबसे पहले आर एफ पी डी अप्लाई करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे साइमल्टेनियसली, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है ना, केवल और केवल यहाँ पर केवल और केवल क्या है। आप बताओ कि मैंने स्टार्ट में जो इतना पढ़ाया था वो अब काम आ रहा है अब काम, अब तुरंत तुम्हें वो आइडेंटिफिकेशन लग रहा है ना, अब बताओ जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5 जल्दी बताओ क्या होगा, 2-ethyl, जल्दी बोलो 2-ethyl पेंटेन, पेंटेन क्या आएगा 1.5 डाइओइक एसिड। किसको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, क्लियर हो गया कंसेप्ट पक्का, श्योर, सोच लो, समझ लो, समझ लो पक्का। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं,
ये वाला बताओ, सबसे पहले इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? चेन फॉर्म में। जल्दी करो कन्वर्ट। ये वाला किससे जुड़ा होगा? आप बताओ। पेरेंट कार्बन चेन कौन सी? ये वाली ना, ये वाली। आप देखो ध्यान से सुन लेना, जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप हो तो पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने का तरीका सुन लो। अब आपसे ध्यान रखना, यहीं पर लिख लेना एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको ध्यान रहे। हमेशा पेरेंट कार्बन चेन को ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आपके आ जाए, वो सेलेक्ट करना है, ना कि वैसा सेलेक्ट करना है कि सुनो सिंपल सी, अगर मेरे पास ये नहीं होता, सीधा सब्स्टिट्यूएंट होता तो मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देता, लेकिन अब हमको प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। अब हमको प्रायोरिटी केवल और केवल किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। तो सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? आप बताओ जल्दी से क्या होगा नाम 5 इस सब्स्टिट्यूएंट का? नाम जानते हो आप लोग अच्छे से? इथिनाइल। 5 इथिनाइल बताया था। आप बताओ इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। अब जल्दी से बताओ, हेक्सेन 1.6 डायोइक एसिड। किसको समझ में आ गई ये कंप्लीटली? अब सारे तरीके मैंने बता दिए, सब तरीके का हो गया पक्का? कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन बताना बेटा, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का, तो तुम्हें करते रहना, ठीक है? अब सिक्स क्वेश्चन समझते बेटा। थोड़ा और टफ हो गया, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, समझ में आया? तरीका वही है, ठीक है? आप इसके अंदर इसका नाम तुम्हें बताना है, ठीक है? बताओ कैसे करोगे, सोचो। आप सबसे पहले चेन बनाओगे, ठीक है? CH2 से अटैच है, ये किससे अटैच है? CH से। ये वाला किससे अटैच है? C से। ब्रैकेट वाला छोड़ दो, हम मुद्दे की बात कर लेते हैं, फिर ये ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट वाला छोड़ दो, COOH से अटैच है, ये हो गया। अब ये CH वाले के अंदर क्या है? एक CH था, अब वही CH किससे अटैच है? 2CH3 से। अब यहां पर ये 2CH3 से अटैच है, अब लगाए, बन गया स्ट्रक्चर। किस किस को स्ट्रक्चर बनाना आया? एक बार खुद से ही करना, स्ट्रक्चर बनाना आया। अब बताओ न्यूनंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से RFPD लगाओ और यहां से RFPD लगाओ, जल्दी बताओ। RFPD लगाओ, यहां जाएंगे तो 2 2 3, यहां से जाएंगे तो 3 4 4, ये दो है ना अलग अलग, तो इसीलिए 4 4 यूज किया, दो अलग अलग है तो 4 4, यहां पर भी 2 2, बात क्लियर है ये? अब बताओ इसका नाम कैसे करेंगे? इसके हिसाब से करेंगे नंबरिंग, यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो 1 2 3 4 5। अब बताओ ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट दोनों। अब बताओ पहले इसका नाम लिखे, इस सब्स्टिट्यूएंट का फोटो बाहर निकालो, बताओ इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम
डाई मिथाइल, ठीक है, टू टू डाई छोड़ो मिथाइल है। अब मिथाइल, मिथाइल पहले आएगा या फिर मिथाइल पहले आएगा या फिर इथा, यहाँ पर मिथाइल इथाइल पहले आएगा, जल्दी बताओ, मिथाइल इथाइल पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा? मिथाइल आएगा ना, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले कौन कौन आएगा? अब बोलो नाम, 2.2 डाई मिथाइल 3.3.1 बोलो 1 मिथाइल इथाइल पेंटेन 1.5 नाम खत्म। समझ में आया नाम? अब बताओ इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, नहीं नहीं इसके अंदर तो ऐसे लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद वो, इसके अंदर पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देन मेन, वो तो मैंने बताया ना लिखना, ये लिखना बताया ना मैंने, ये इसका फोटो निकाल के बाहर निकाल के नंबरिंग करो और निकाल दो नाम, ठीक है? समझ में आ गया? टफ था? अब धीरे धीरे तो टफ तो बताऊंगा ही ना मैं, सिंपल ही बताता रहूं क्या? चलो करो, अब एक दो बार करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी एक तुम्हारे लिए लिख देता हूँ मैं, हो क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है? सेवंथ एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तुम लोगों को खुद से, अरे यहाँ लिखने से इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है? उनको भी पता पड़ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मुझे दोनों क्लास का ध्यान रखना पड़ेगा ना बच्चा, रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा बोलो? इसका नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है? इसका नाम आप लोगों को खुद से लिखना है, ठीक है? ये एक एग्जांपल दिया है, इसका नाम आप लोगों को लिखने की कोशिश करनी है खुद से, ठीक है? करो,
गलती की थी। अब बताओ यहाँ से जाएंगे तो आ आ रहे पीढ़ी किस पर आ रहा है? इस क्वेश्चन दिमाग लगाओ जल्दी बताओ। वन पर और फाइव पर इधर से जाएंगे तो आ रहे पीढ़ी किस पर आएगा? सब्स्टिट्यूएंट पर। वन पर और फाइव पर यहाँ से भी जाएंगे तो किस पर आएगा? पहले जी चेक करो, चेक करो, आर एफ पीढ़ी लगाओ, आर एफ पीढ़ी लगाओ आप लोग। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या किया तुम लोगों ने, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं उस बच्चों ने बताया। आप देखो यहाँ से आर एफ पी डी लगाओ, 1 2 3 4 5 तो किस पर आएगा? 2 और 5 पर आएगा ना। और यहाँ से अगर आर एफ पी डी लगाएंगे तो किस पर आएगा? सामने देखो 1 2 2 और 5 पर, तो आर एफ पी डी फेल हो गया ना सब्स्टिट्यूएंट पे। जब आर एफ पी डी सब्स्टिट्यूएंट में फेल होता है तो कौन सा हम ले जाते ऑर्डर? अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो नंबरिंग कहाँ से करना सही था? तो यहाँ पर क्या आएगा, समझ में आ गया? समझ में आ गया हमने कहाँ गलती की थी? अब समझ में आ गया इसका एक्सप्लेनेशन जो हमने लिखा है वो गलत क्यों है उसको सैड करके लिख के फिर से करो, ठीक है? काटो मत, वो लिखो ये आपका इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है वो लिखो, देन आफ्टर सही लिखो। हम लोग क्या करते हैं सीधा, अरे ये गलत है काट दिया फिर सही लिख दिया, नहीं ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इनकरेक्ट क्यों हुआ वो भी लिखना है ताकि तुम्हें पता पड़ेगा फंडामेंटल कि हम कहां गलतियां कर सकते हैं, ठीक है? हमको नोमेनक्लेचर में लगता है कि हम गलती बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा गलती इसी में करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लिया सबने, इसका नाम बताओ, यहाँ से एच हटा दो। हाँ आप बोलो नाम, फोर प्रोपेनाइल या फिर 2.2 डाइमिथाइल पहले आएगा? 2.2 डाइमिथाइल, फोर प्रोपेनाइल पेंटेन, 1.5 डाइओइक एसिड, करेक्ट है? करेक्ट है। और किसी को डाउट हो तो पूछने, आप स्टार्ट। आप देखो बेटा अगर तुमने इसको घर जाके इसको पढ़ लिया ना, घर जाके इसको पढ़ लिया तो आगे आने वाले 10-12 सिमिलर है, आगे आने वाले 10-12 कंपाउंड के सिमिलर है। तो आप समझ में आ गया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, आगे आने वाले में टाइम नहीं लगेगा। अब देखो इधर, अब ये तो कंडीशन हो गया ये। अब अगर मान लो 2 से ज्यादा ग्रुप आ गए, अगर मान लो 2 से ज्यादा ग्रुप आ गए, इफ, अब देखो अभी तक तो हमने कितना पढ़ा था, 2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? अगला कंडीशन बहुत ही खतरनाक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 and 3 and more than 3 COOH group, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 3 and more than 3 COOH group, आप समझो इधर, देखो इधर यहां पर सामने सामने समझना, कौन बताएगा? आप बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? ये वाली? तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है? एक फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है, क्या हो रहा है? एक पक्का समझ में आया? चलो छोड़ो ये भी तुम्हें नहीं आएगा, तो अगर मैंने ये वाला कर दिया, देखो इधर CH COOH COOH COOH, आप बताओ इसमें भी एक छूटेगा? छूटेगा, कंफर्म आ गया, कंफर्मेशन मिल गया तुम लोगों को, एक फंक्शनल ग्रुप पक्का छूटेगा। नेक्स्ट अगर मैंने ये वाला लिया, फिर
फिर क्या करोगे? अब यहां पर इस कंडीशन में दो टाइप के कन्वेंशन है, कितने टाइप के कन्वेंशन है? दो टाइप के कन्वेंशन। तो लिख, तो पहले इसको लिखो और यहां पर लिखो, इफ यहां पर लिखो, अगर मैंने लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की तो एक फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है। इसको साइड में करके तरीके से लिख लो, तरीके से लिख लो। थर्ड में कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है वो तुम्हें यहीं से पता पड़ेगा। समझ में आया? जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। ये तीनों का कंडीशन समझो। क्या लिखना है इसमें बेटा? तुम लोग आप बोल नहीं रहे, शुरुआत में बोलते थे, अब नहीं बोल रहे। बताओ इसमें क्या कंडीशन है, बोलो। अगर मैंने एक तो छूटेगा छूटेगा इसमें, चलो लिख लो इसको साइड में। क्या हो रहा है खेल, असली असली मजा अब आएगा। अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल क्वेश्चंस। अब हम करेंगे थोड़े से टिपिकल लेवल के, और यहां पर जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना वो हर जगह अप्लाई होगा। तो अभी समझ लेना, अगर ये फंक्शन सी डबल ओ एच अगर छूटा, सी डबल ओ एच अगर छूटा तो नाम क्या होगा, ठीक है? अब ये समझना है। चलो स्टार्ट करो, मैं बताऊंगा। एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा इन ओल्ड कन्वेंशन। बहुत बढ़िया, लिखो, कोशिश करो, लिखो। लिख लिया, और यहां से क्वेश्चन लिख लो, यहां से क्वेश्चन वो एडवांस में मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। किसमें? मल्टीपल चॉइस। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा मल्टीपल चॉइस में। तो ध्यान रखना, इसके दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं आईयूपीएससी वाले। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें कॉमन नेम भी डाल देगा तो तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, कॉमन नेम की हम अभी बात नहीं कर रहे, हम अभी केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम हम चैप्टर के साथ साथ याद करना स्टार्ट करेंगे। हम एक साथ अगर याद करने बैठेंगे कॉमन नेम तो कभी जिंदगी में याद नहीं होंगे। तो हम अभी धीरे धीरे करेंगे ना, अच्छे बच्चे है ना। तो आप देखो, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वेंशंस, देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वेंशन, देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वेंशंस। फर्स्ट वन लिखो, फर्स्ट लिखो ओल्ड कन्वेंशन, फर्स्ट लिखो ओल्ड कन्वेंशन, मतलब पुराना आईयूपीएससी वाला ओल्ड कन्वेंशन। अब पहले क्या करते थे ओल्ड कन्वेंशन में, अब सुनना ध्यान से, अब ओल्ड कन्वेंशन को समझते। ओल्ड कन्वेंशन में तीन फंक्शनल ग्रुप है, तीन में से दो पेरेंट कार्बन चेन में आ गए, तो एक को मैं क्या मान लूंगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया। ओल्ड कन्वेंशन में क्या करते थे, फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेते थे, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम में हम किसका यूज करते हैं, प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो देखो, इफ लिखो इसमें ओल्ड कन्वेंशन में, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, व्हेन we will write, when we will write the prefix of this substituent. समझ में आ गया, समझ में आया। नाम लिखना स्टार्ट करें। अब देखो, नाम लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब बोलो नाम कैसे लिखेंगे, ओल्ड कन्वेंशन बताओ आप, ओल्ड कन्वेंशन बताओ आप फटाफट। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, वो तो रूल है, रूल है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हमको कैसा सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके आ जाए। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या लिखोगे इसका, ये आप क्या बन गया, आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो हाँ या ना,
पक्का। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है, तो नाम क्या होगा बोलो, थ्री कार्बोक्सी पेंटेन 1.5। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, इजी पढ़ा कि टफ पढ़ा, इजी गया इजीली। अगर मैंने इसको लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एग्जांपल, बेटा ओल्ड कन्वेंशन का चल रहा है अभी एग्जांपल, देखो इधर CH COOH COOH COOH, इसका नाम बोलो। सबसे पहला काम बोलो, 1 2 3, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो नाम क्या होगा बोलो, 2 कार्बोक्सी प्रोपेन 1.3। अब देखो पुराना कन्वेंशन कहीं हद तक बहुत अच्छा था, नए कन्वेंशन में दिक्कतें होती है बच्चों को, सबको दिक्कतें होती है, मुझे भी होती है, आप लोगों को भी होती है, ठीक है। अब नए कन्वेंशन में देखते हैं, नहीं पुराने कन्वेंशन में देख रहे बेटा, ऐसे क्यों लिख रहा हूं, अब तुम्हें तो उसकी आदत पड़ जानी चाहिए। देखने में लग रहा है भयानक, लग ही रहा होगा भयानक। स्टार्ट करें। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन चेन में। आप बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। बात क्लियर आ गया, तो कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से, क्यों, अल्फाबेटिकली देखेंगे तो यहाँ पर देखो, इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आप देखो मैंने RFPD में क्या बताया था, सबसे पहले अगर आपका फंक्शनल ग्रुप लोअर लोकेंट को सेलेक्ट कर रहा है तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा अच्छा है। समझ में आया, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे वो RFPD लगाएंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे साइमल्टेनियसली, उसके बाद डबल बॉन्ड पे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट पे। आप देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है, यहाँ से जा रहे तो कौन से नंबर पे, यहाँ से जा रहे तो कौन से नंबर पे, तो विच वन इज करेक्ट, तो ये वाला सही होगा, 1 2 3 4 5 6। आप बताओ RFPD का क्या रूल है, सबसे पहले बोलो RFPD, बोलो RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट क्या हो उस पर सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर साइमल्टेनियसली, उसके बाद सब बोलो, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पे, उसके बाद बेटा सब बोलो एक साथ, बोलो फिर से बोलो सब, सबसे पहले RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट एज फंक्शनल ग्रुप, सेकंड फिर उसके बाद तो बताओ कहां से, यहां से नंबरिंग हुई। अब बताओ नाम क्या होगा, 3 कार्बोक्सी 4 मिथाइल है, बोलो हेक्सेन 1.6 डाइओइक एसिड। ये किसको क्लियर हो गया, अब लिख सकते हो नाम तीन का भी, तो
नहीं वहां पर, यहाँ पर तो अल्फाबेट चलेगा, नाम लिखते वक्त अल्फाबेट। सिलेक्शन के टाइम आपको देखना पड़ेगा बस, सिलेक्शन के टाइम आरएफपीडी, नाम लिखते वक्त तो ओनली अल्फाबेट्स। समझ में आया? अब सुनो, ये तो था हमारा कौन सा कन्वेंशन, ओल्ड। आप लिखो, लिख लो इस प्लेस को, इसका नाम बताओगे ओल्ड कन्वेंशन में, इसका नाम बताओ। ये तुम्हारा होमवर्क है, अभी अभी करना है, मतलब फोर्थ ओल्ड कन्वेंशन में इसका नाम तुमको लिखना है। अब अभी लिखो फटाफट, ओल्ड कन्वेंशन में जहां से टिक मार लेना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आगे नाम आओ।
अब लिखो न्यू कन्वेंशन। न्यू कन्वेंशन में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC, लिखो अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC, अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC, ठीक है, ऑल, सुना पहले, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बो लिखो, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट सेलेक्टेड, कैन नॉट सेलेक्ट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट सेलेक्ट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या फिर पेरेंट चेन, ये बात समझ में आई? मतलब अगर मैं, सुनो अब, अगर मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा तो क्या मैं इसको सेलेक्ट करूंगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इन तीनों को? नहीं, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, 1 2 3, क्या होगा, पढ़ो लाइन, सारे के सारे को हटा दो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनेगी, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब लिखो, लिखो इसमें, इन न्यू कन्वेंशन सफिक्स फॉर सी डबल ओ एच ग्रुप is, suffix for COOH group is carboxylic acid. क्या होगा, नहीं आया समझ में? अभी 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, सफिक्स है ना, चलो छोड़ो, इसका नाम क्या होगा बोलो, प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स मैंने क्या यूज किया, कुछ समझ में आया, नहीं आया? अब देखो इधर, इसी का नाम लिखते हैं न्यू कन्वेंशन में, ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, CH2, CH2, CH, CH2, ये हो गया COOH, ये हो गया COOH, ये हो गया COOH। अब जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते बेटा, हम क्या करते हैं, एक छूटता ही है 100%, अभी भी छूटेगा, बात क्लियर है? तो इसका मतलब इसमें ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन दोनों बनने वाले, हमने ओल्ड कन्वेंशन तो सीख लिया, न्यू कन्वेंशन क्या है, न्यू कन्वेंशन को पढ़ो, क्या बोले, क्या लिखा था मैंने, ऑल कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन नॉट सेलेक्ट इन लॉन्गेस्ट चेन, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सेलेक्ट ही नहीं किया, क्या हो गया आप बोलो, प्रोपेन हो गया नाम, ठीक है, प्रोपेन हो गया नाम, अब प्रोपेन के साथ कितने ग्रुप जुड़े हुए कार्बोक्सिलिक, इनका क्या लिखेंगे, सफिक्स, इनका क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का हमेशा क्या लिखते हैं, सफिक्स ही लिखना पसंद करेंगे, तो इसका सफिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया ये, इसका बताओ नाम, अब बोलो, इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, केवल क्या होगा, वन, वन का मतलब मेथेन, 1 1 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, 1 1 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक
दिस इज अ न्यू कन्वेंशन, ठीक है। नाउ अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो बोलो अब 1 2 3 बोलो अब प्रोपेन बोलो 1, 2, 3 टेट्रा, समझ में आ गया क्लियर हुआ फंडा, क्लियर हुआ। आज अगर घर जाके जी जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान से नहीं पढ़ा उसको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आज अगर घर जाके तुमने इसको कवर कर लिया तो ये समझ लो सब समझ में आ गया, ये मान लो सब समझ में, चलो समझ में आ जाएगा। अब क्लियर है, इजी है कि टफ है? अब इजी लगने लगा। देखो दोनों कन्वेंशन आने चाहिए, देखो वैसे जनरली बात यह है कि ओल्ड कन्वेंशन को हटा दिया गया है, लेकिन जेई ऐसा थोड़ी ना मानेगा, जेई तो आईयूपीएससी पूछेगा, तो आईयूपीएससी का मतलब वो ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो वो बोल सकता है कि दोनों नाम अगर दे दिए तो क्या करोगे, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, अगर एक नाम दे दिया तो एक करेक्ट होगा। ये बात समझ में आई पक्का, क्लियर है? अब इसका क्या होगा बोलो, अब इसका नाम जो बताएगा वो तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इसका नाम बोलो आप न्यू कन्वेंशन में, बोलो न्यू कन्वेंशन में हमारा पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, पेरेंट चेन तो हमारा ये होगा ना न्यू कन्वेंशन में, होगा कि नहीं होगा, आप बताओ जल्दी से। अब पेरेंट चेन में इसको तो हम लेंगे ही नहीं, इसको भूल जाएंगे, अब बताओ केवल और केवल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से करेंगे, आरएफपीडी इस पर आएंगे दो पर, यहां से जाएंगे तो आप बताओ क्या होगा, 2-methyl-butane-1,3,4 वो तो सफिक्स ही आएगा, समझ में आया। ये सही है कि ये वाला सही है, मुझे अभी भी बताओ, 3-methyl-butane दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, घर जाके करना है 3-methyl, थोड़ा सोच के बताना है, ठीक है, ये मैंने गलत भी लिखा होगा, सोच के बताना है, 3-methyl-butane 1,2,4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा सही है, ये आपको बताना है, Which one is correct? ये आपको बताना है, बताओ कौन सा सही होगा, 3-methyl-butane 1,2,4 एक बार घर जाके इसको डिसीजन लेना है तुम्हें, ठीक है, दोनों में से कौन सा सही होगा ये तुम्हें खुद सोच के बताना है, ठीक है। यही तुम्हें सोचना है ना, ये कुछ तो तुम भी दिमाग लगाओगे ना बेटा, मैं ही लगा दूं क्या सारा, ये इतना सब कुछ समझ में आ गया, अगर ये इसका तुमने उठा लिया इंफॉर्मेशन तो ये समझ लो तुमको न्यू कन्वेंशन पूरा आ गया, ठीक है, करो फटाफट राइट डाउन करो इसको सबको अच्छे से लिखो।